नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल माही के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेल जी 15 लैपटॉप जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यह है डेल जी 15 लैपटॉप। तो इस लैपटॉप को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, बूट होने में कितना टाइम लगता है, रिस्टार्ट करने पे कितना टाइम लेता है, उसके बाद शट डाउन करने में कितना टाइम लगता है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको डेल जी 15 लैपटॉप लेना चाहिए या फिर कोई दूसरे ब्रांड का या फिर कोई दूसरे मॉडल का लैपटॉप लेना चाहिए। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी डेल जी 15 लैपटॉप के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी बैकग्राउंड में चालू है उस सभी को मैं एक बार डिलीट कर एक बार क्लोज कर देता हूँ जो भी बैकग्राउंड में चालू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को भी इसको भी क्लोज कर देता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर को। तो आप जैसे सब कुछ यहाँ पे जो मैंने है वो क्लोज कर दिया है, कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टास्क मैनेजर में जाके। तो आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन है वो रनिंग नहीं है बैकग्राउंड में, ओनली टास्क मैनेजर है। तो मैं टास्क मैनेजर को भी बंद कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शट डाउन करके और उसके बाद स्टार्ट करके दोनों में कितना टाइम लगता है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रिस्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि बूट में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शट डाउन कर लेता हूँ। तो शट डाउन करने के लिए यहाँ पे आप शट डाउन में जाता हूँ, तो ये शट डाउन हो गया है, तो काफ़ी जल्दी शट डाउन हुआ है। अभी मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, यहाँ पे ये जो है पावर बटन है तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेस करते हैं, तो मैं 3 काउंट करूँगा, उसमें प्रेस कर दूँगा 1, 2 और 3। तो इसको मैंने प्रेस किया है तो यहाँ पे लाइट आ गई है, आप देख सकते हैं लाइट जल रही है। तो बूट होने लगते हैं, बूट होने देते हैं, कितना टाइम लगता है बूट होने में। तो आप देख सकते हैं ये बूट हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कितना टाइम लगता है बूट होने में। आई थिंक 2 से 3 सेकेंड लगा होगा बूट होने में। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है। तो अब अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश कर लिया है दो बार, उसके बाद फिर रिस्टार्ट करने के लिए आपको यहीं पर जाना होगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा रिस्टार्ट, तो मैं रिस्टार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे रिस्टार्ट बटन है, तो रिस्टार्ट करने के बाद आप जैसे रिस्टार्टिंग दिखा रहा है, तो देखते हैं रिस्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। वीडियो को मैं कट नहीं करूँगा ताकि आपको पता चल पाए कि रिस्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो अभी भी रिस्टार्टिंग हो गया, रिस्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी लाइट जल रही है, ये बूट भी हो गया है। तो अभी देखते हैं बूट होने में वापस कितना टाइम लगाता है। लास्ट टाइम 2 या 3 सेकंड में हो गया था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी बूट होने में। आप देख सकते हैं रीस्टार्ट होने के बाद बूट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, बूट भी हो गया है, हमारा जो वॉलपेपर है वो आ जाएगा। तो देख लेते हैं वॉलपेपर आ गया, तो मैं पासवर्ड दे के ऑन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको चालू कर लिया है तो ये स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप शट डाउन और स्टार्ट करेंगे तो आपका शट डाउन भी जल्दी हो जाएगा और बूट भी जल्दी हो जाएगा। अगर आप रिस्टार्ट करेंगे लैपटॉप को तो रिस्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो कुछ इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपको डेल जी 15 लैपटॉप में आपको रिस्टार्ट और बूट होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे कि इस डेल जी 15 लैपटॉप रिस्टार्ट, बूट होने में और शट डाउन होने में कितना टाइम लगता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर से दबाइए जिससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले जैसे ही मैं कोई वीडियो डालू इस चैनल पर। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं जरूर से जवाब दूंगा। फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।